हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ डीएलएड 2018-19 का डीएलएड रिज़ल्ट, फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आने वाला है। इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा, आखिरी तक वीडियो देखना पड़ेगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ डीएलएड 2018 और का पहला और सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि दिया हुआ है कि यूपी डीएलएड 2000 फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट और यूपी डीएलएड 2017 सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास घोषित हो जाएगा। जैसा कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय जल्द ही डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में है, संकेत है कि दोनों रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास घोषित होंगे। वहीं आगामी सेमेस्टर की परीक्षाएँ मई माह के अंत में होंगी। दोस्तों, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर हो और सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं, उन लोगों की सेकेंड सेमेस्टर वाली जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है वह मई में के अंत में या फिर जून के फर्स्ट वीक में होना संभव है। फिलहाल देखते हैं इसकी क्या कितनी प्रायिकता है। और जो रिज़ल्ट है 2017 का सेकेंड सेमेस्टर का, 2018 का फर्स्ट सेमेस्टर का, वह रिज़ल्ट 15 अप्रैल तक आने की बात कही गई है परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय से। फिलहाल दोस्तों, आज या कल एक दो दिन में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे एक बात और भी कही गई है कि डीएलएड 2019 में आवेदन अगले माह यानी मई माह में आवेदन शुरू हो सकते हैं, ठीक है। यानी जो डीएलएड 2019 में जो विद्यार्थी इच्छुक हैं प्रवेश के लिए, उनके लिए यह सूचना है। और दोस्तों, आज या कल डीएलएड 2018 के प्रथम सेमेस्टर और डीएलएड 2017 का सेकेंड सेमेस्टर के परिणाम घोषित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।